দা আছে সে মাই সাথে খাও দূসরি সাইড সে দিখাও মাইশা এক মিনিট সে করো খারাপ হয়ে যাবে দূসরি সাইড সে দিখাও দূসরি সাইড সে দিখাও এসে এসে করো তো बस 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 कितना नहीं बस ऐसे रखो कितने को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी शाम को, कल शाम को हम बाहर गए थे और बच्चों ने भी मेहंदी लगाई थी तो मैंने भी लगा ही ली। तो अब ये है ईद की सुबह सुबह की मॉर्निंग और हम जाग गए हैं। लीज़ा और मायशा के बाबा ने नमाज़ पढ़ ली है तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा मैं अब ब्रेकफास्ट कर लूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने दावत दी है, मदरसा के कुछ बच्चे हैं वो आएंगे ब्रेकफास्ट पे, तो मैंने कुछ मीठा बनाया है उनके लिए और नमकीन चाय है। ये मैं एक साइड से चिकन फ्राई कर रही हूँ। तो बच्चे अभी सोए हुए हैं तो मैं ब्रेकफास्ट बना के तब तक कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक बच्चे भी सोए हैं, थोड़ा काम तब तक ख़त्म हो जाता है। और ये मैंने थोड़ी सी बेकरी रखी हुई है, इसकी भी कटिंग करनी है, केक कटिंग करनी है और थोड़े से बिस्किट्स हैं, ये सब। हमें आज बहुत कमी हो रही है अम्मी की, क्योंकि आज बड़ा दिन है और वो हमेशा मेरे साथ साथ रहती थी किचन में, बताती थी मुझे, गाइड करती थी ऐसे करो, ये बनाओ, वैसे करो। तो आज लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बहुत फील हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा कमी हो रही है मुझे उनकी। मेरा तो शाम को मन मेहंदी लगाने का भी नहीं था लेकिन बच्चों ने ज़िद की और बड़ा दिन है और अल्लाह नाराज़ होते हैं हमें, मतलब हमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। ऐसे नहीं है कि कोई अगर हमारे घर से चला गया हो या कोई अपना, तो हमें उदास ज़्यादा नहीं रहना है क्योंकि ये भी गुनाह ही है, तो हमें खुश रहना है। अल्लाह ने ज़िंदगी हमें एक नियामत दी है। तो ये मैंने नमकीन चाय बना के इस केटल में भर दी है और अब मैं हलवा डालूंगी इन बाउल्स में। हमारे यहाँ हम नमकीन चाय पीते हैं सुबह, जो कि कश्मीरी टी है, मैं कभी आपके साथ वो शेयर करूँ। तो ये नोट गिने जा रहे हैं मेरे लिए। नई वाली ली थी ना आपने, चाय उधर से आके पियोगे क्या। तो मदरसा के जो बच्चे थे वो आके चले गए ब्रेकफास्ट करके, अब ये जा रहे हैं मस्जिद, मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने, वहाँ से आएंगे फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये ली मायशा ने लगाई है ड्रेस, लेकिन मायशा को ना पहले खुद इसने सेलेक्ट की, अब ये सुबह से बोल रही है कि मुझे दुपट्टा इसका बड़ा है और इसको ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका दुपट्टा देखो कितना प्यारा है। देखा, सबको अच्छा लगा आपका दुपट्टा, सिर्फ आपको नहीं लग रहा है। लीजा आप रेडी हो गए? तो ये है लीजा का आउटफिट, लीजा हो गई रेडी। ये है मायशा का, मायशा आप दुपट्टा पहन के दिखाओ। मायशा आपको कुछ बोल रहे? तो ये है ताइबा, ये हमारे पड़ोसियों की बेटी है, मतलब कि हमारी भी बेटी है। ये लीजा और मायशा के साथ खेल रही है। अब सब बच्चे एक दूसरे को अपनी अपनी ड्रेस दिखा रहे हैं और लीजा कहती है मेरी फ्रेंड है, मायशा कहती है मेरी फ्रेंड है। अब इन दोनों में यही झगड़ा चलता रहता है। Thank you.
तो अब हो रही है लंच की तैयारी। लंच का मैंने कुछ बना के रख दिया था, कुछ शाम को बना लिया था, कुछ मैं अभी बना लेती हूँ और बना हुआ भी है। तो मैं भी फ्रेश हो गई थी, अब मैंने भी नहा लिया था, ईद की ड्रेस पहन ली थी। तो अब मैं खाना को थोड़ा गर्म करके, एक तो किचन के बर्तन भी धो धो के ख़त्म नहीं होते हैं, अभी मैंने इतने सारे बर्तन धोए जो सुबह से लेके सारे यूज़ हो गए थे। बस अब लंच की तैयारी है, तो लंच के तो फिर अलग से बर्तन निकलते हैं। बर्तन धोने का काम तो लगा ही रहता है पूरा दिन, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अब मैं ये कुछ बर्तन निकाल रही हूँ ताकि टेबल पे लगा के रख दें हम, कोई भी आएगा तो फिर लंच देने में थोड़ी आसानी होती है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे मैंने जो कुछ बनाया है वो मैं हॉट डूंगे जो होते हैं मैं उसमें डाल देती हूँ, बाद में उस टाइम पे सिर्फ सर्व ही करना होता है, या फिर अगर ठंडा हो गया तो माइक्रोवेव में गर्म करके तो फिर सर्व करने में आसानी हो जाती है। तो मैं ये कुछ बर्तन निकाल रही हूँ, अब इनको मैं साफ़ करके रखूँगी। अपनी तरफ से मैं सारा काम बिल्कुल रेडी रख रही हूँ ताकि कोई भी आए तो उस टाइम अच्छा नहीं लगता है कि फिर अब आप ये बर्तन निकालो, वो करो, ये करो, तो इसलिए सब पहले ही रेडी रखना है, उसके बाद वो सिर्फ खाना सर्व करने में आसानी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लेट्स को साफ करके रखूँ और फिर जब कोई आता है तो उस टाइम देने में थोड़ी आसानी हो जाती है। हम लेडीज को तो किचन के काम ही खत्म नहीं होते हैं, रेडी होती है लेकिन थोड़ा जल्दी होते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है हमारे पास कि हम अच्छे से रेडी हो जाए, घर के काम भी हमें खुद ही देखने होते हैं। कहाँ गई माइशा? ठीक है, मेरी हेल्प प्लेट्स लगाने में। अभी हमने टेबल मैट नहीं लिए हैं क्योंकि जो मेरे पास थे फेंक दिए, वो ख़राब हो गए थे। तो अब इंशाल्लाह जब मैं शॉपिंग करूँगी, अभी आप सबको पता ही है कि अभी अभी हमने शिफ्ट किया है घर, तो अभी सारा सामान दिया ही नहीं है हमने। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अब एक एक चीज की शॉपिंग होगी इंशाल्लाह। जग में पानी भरा, ये मम्मा इसके अंदर डाल रही है। तो ये लीजा ने प्लेट्स लगा ली है। लीजा ये जग इसमें नहीं रखना है, इसमें पानी भरना है, ये इधर रहेगा, ठीक है? इसको सामने रखो और इसको इधर अभी भर, दूसरे वाले जग में भर के लाओ, फिर इसमें डाल देते हैं, ठीक है? खाना मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, जैसे ही कोई आता है तो खाना खा के उसके बाद बर्तन को भी साफ करते हैं। तो लीजा ने टेबल तैयार कर लिया है, लगा ली है, गिलास रख दिए क्योंकि लीजा का शौक था, नहीं वरना मैं सेंटर में ही रख देती हूँ, लगाती नहीं हूँ, जब कोई आता है तो उसी टाइम प्लेट्स लगा देती हूँ। चले
अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, कल शाम से लगे हुए हैं काम में, सारा काम खत्म हो गया। थैंक यू लीजा। अभी दी दो मुझे 20 की गट्टी चाहिए। तो ये सो गए थे और ये अभी अभी जा गए हैं नींद से, और मम्मा ने इनकी सुबह से फोटो नहीं ली और अभी मुझे भी कोई ईदी नहीं मिली है, तो अब बस जाग गए हैं। तो अब हमारा टाइम आ गया है, हमारा टाइम आ गया है अब कि हम ईदी के लिए, अभी मैं जाऊंगी सबके घर और मम्मी ईदी के लिए। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम ईदी ले ले और अपने बैग को फुल कर दे ईदी से। तो अब हम जा रहे हैं पड़ोसियों के घर, हमारा डिनर है वहाँ पे, बच्चे तो चले गए हैं, तो हम दोनों यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे घर पे, इन्होंने नमाज पढ़ ली, तो चले डिनर करने। चले। तो ये है अभी हमारी टर्न है, अब हम जा रहे हैं किसी के घर बोटी कबाब खाने। चलें फिर, उठा आप सब ज़रूर बताएं आप सबकी ईद कैसी बनी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।